नेक्स्ट टॉपिक है डी मॉर्गन थ्योरम। भी डी मॉर्गन थ्योरम क्या है? अभी कुछ नहीं, बेसिकली जो मैथमेटिकल दिया गया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक तो दिया बुलियन ने दिया था, एक इसने दिया था अभी, ठीक है, अलग थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स से अलग है। तो इसको लिखिए, दो थ्योरम दी थी इसने, सिंपल स्टेटमेंट लिखना हमको, लिखिएगा, लिखिए प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, पहला पॉइंट है ये, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्री। सुनने में अजीब लगती है, यही है फर्स्ट पॉइंट। क्या लिखवाया था? देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखवाया क्या मैंने, मैंने लिखवाया है, क्या लिखवाया था ये जोर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट्री करें, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्री, ए कॉम्प्लीमेंट्री प्लस बी कॉम्प्लीमेंट्री, ये पहला थ्योरम है इसका। प्रूफ पूरा कुछ नहीं करना हमको, सिंपल को यूज करना, कहीं पॉइंट ऑफ यूज होते हैं, कर लोगे। उसके बाद लिखिए सेकेंड पॉइंट भी, लिखिए सेकेंड पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे? ये लिखा गया है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट्री करना पड़े तो क्या आंसर आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट्री इनटू बी कॉम्प्लीमेंट्री, इंडिविजुअल का प्रोडक्ट भी कर लोगे। और एक चीज याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री वही होता है, उल्टे का उल्टा कर दो वही आंसर आएगा, कर लोगे। समझ में आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री आंसर इज ए। जो क्वेश्चन का टाइप्स बनता है वो कैसा बनता है, एक तो बनता है फाइंड द ट्रूथ टेबल ऑफ दिस सर्किट, भी ट्रूथ टेबल निकाल के दिखाइएगा भी, ठीक है, सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ कोई भी मैं। बातें नहीं करनी भी क्लास, अभी देखो जल्दी जल्दी देख लीजिए कैसे करना है हमको। कुछ भी जोड़ लो मर्जी मेरी, ठीक है, कोई भी सर्किट अभी क्लास। पहला क्वेश्चन ये होगा, राइट द ट्रूथ टेबल, पहले टाइप का क्वेश्चन ये बनता है, अभी आपको दिया जाएगा इसका ट्रूथ टेबल निकाल के दिखाओ कितना आंसर आएगा, ठीक है, कितना आएगा आपको बताना पड़ेगा। अभी देखो कैसे करोगे, सिंपल तरीका, अभी आपकी कितने इनपुट दे रखे हैं आपको, दो ही हैं ए और बी, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1, यस सर नो, और ये वाई मान लेते हैं, इट इज आउटपुट वे। अब आपके अकॉर्डिंग देखिए, अभी जल्दी जल्दी से देखते हैं, पहले जो मैंने लगा दिया 0, फिर लगा दिया 0, पहला इनपुट लगाया, देखना है रट्टा नहीं मारना, क्या करना है, जे जो लगाया और गेट है भाई, आंसर क्या आएगा 0, सेम यहाँ पे है, आंसर क्या आएगा 0, 0 × 0 आंसर कितना आएगा 0, 0 कॉम्प्लीमेंट्री, पहला आंसर कितना आया, समझ में आई बात है। फिर मैंने क्या किया, 1 1 सॉरी 1 0, चलो 0 1 कर लेते हैं, 0 1, सही है 0 1 भी आंसर 1, 0 1 एंड में 0, 1 0 एंड में अगेन 0, और इसका उल्टा 1, समझ में आई बात है। उसके बाद कौन सी इनपुट है, 1 0 1 0 1 0 आंसर 1, और गेट के लिए याद होना चाहिए कंप्लीट, एंड गेट के लिए 0, एंड गेट अगेन आया हुआ है 1 0, आंसर इज 0, उसका उल्टा 1, समझ में आया, आउटपुट इज 1, अगेन 1 1 1 1 करते हैं, इसका आंसर
वन बाई एंड गेट का आंसर वन, वन इंटू वन, वन उल्टा जीरो. दिस इज द ट्रूथ टेबल. जल्दी से कोई डायग्राम है, ठीक है. इसका पूछेंगे व्हाट इज द ट्रूथ टेबल, ऐसे पूछ सकते हैं. कर रहा हो, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे बता दो. ऐसा नहीं करना क्वेश्चंस. आपको पहले से एक सिग्नल दिया जाएगा, सिग्नल दिया जाएगा. अभी मेरे पास एक इनपुट सिग्नल है, ये आपको पेपर मिलेगा. अभी एक इनपुट सिग्नल दिया जाएगा आपको, ये है भाई. कुछ भी हो सकता है, ठीक है. ये ए के लिए है, अभी ए, और ये सिग्नल है बी का भी. कौन सा सिग्नल दे रखे हैं आपको? डिजिटल सिग्नल दे रखे हैं. क्वेश्चन ये पूछेगा व्हाट इज द आउटपुट डिजिटल सिग्नल. डिजिटल सिग्नल बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है. सिंपल सिंपल तरीका देखो भाई. आपको एक तो औसत का लाइन लिखी मिले, कौन कौन से सेक्शन में क्या करना आपको. ये ना हो के ना मिले तो क्या करना है. देखो पहले यहाँ पे जा रहे हैं, पहले ये पॉइंट आया जीरो नहीं, पहले लाइन बनाओ, ठीक है. फिर इसका बनाओ, फिर इसका बनाओ, फिर इसका बनाओ ऐसे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, यस और नो, फिर ये वाला सेक्शंस, और फिर ये वाला सेक्शंस. समझ में आई बात है? यस और नो. पहला सेक्शन चेक कीजिए अभी, ये जीरो है अभी, नीचे वाला जीरो होता है, ऊपर वाला वन होता है अभी. ए जीरो, बी भी जीरो, यस और नो. टेबल बना लेते हैं पहले. कितने इनपुट्स बनेंगे मेरी, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं. दो ही हैं, इट इज़ ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे वाई भी. पहले इनपुट्स क्या होगी क्लास, देखते पहले तो ये वाली इनपुट्स, ए जीरो बी जीरो, यस सर नो. दूसरी इनपुट क्या होगी, ए वन है भाई, ये है दूसरा वन, ये वाला सेक्शन ए वन है, बी जीरो, तो ए वन बी जीरो, ठीक है. दूसरे वाला ए वन बी वन, पहला दूसरा तीसरा, यस सर नो. तीसरा कौन सा, ए वन तो बी बी वन, ऊपर है भाई, कर लोगे. ए वन बी वन सही है. नेक्स्ट वाला ए जीरो बी वन सही है, ए जीरो बी वन, उसके बाद ए जीरो बी जीरो, यस आर नो. उसके बाद ए वन बी जीरो, उसके बाद ए वन बी वन, यस आर नो. उसके बाद ए जीरो बी वन. इतने इनपुट्स हैं मेरे पास से. अब आपकी मर्जी नहीं इनपुट्स डालने की भी, जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इनपुट्स भी कर पाओगे. yes, अब पहले के अकॉर्डिंग भी, दोनों जीरो हैं, ये जीरो भी, ये जीरो पहले यहाँ पे आ रही है, आंसर जीरो है. अब ये जीरो यहाँ पे गई और यहाँ से भी जीरो गई, यस सर नो, आंसर जीरो. पहले का आंसर जीरो. समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे का ए वन बी जीरो, ए को वन कर दिया, बी जीरो, पहले आए सिग्नल्स यहाँ पे ए वन बी जीरो जीरो, उसके बाद ए वन यहाँ पे जीरो वन, यस आर नो. तो यहाँ आउटपुट कितना मिलेगा, वन. उसके बाद वन 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 यहाँ पे कितना आया, वन वन यहाँ पे गया, वन यहाँ पे गया, आंसर इज वन, यस आर नो. थर्ड आंसर इज वन, जीरो वन, वन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जीरो, और यहाँ पे वन नहीं भाई, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो हो गया, जीरो और जीरो, जीरो आएगा भाई, सही है. जो जीरो क्या बनेगा, जीरो. वन जीरो हम कर चुके हैं, इट इज़ वन, वन वन वन, जीरो वन जीरो, सही है कि नहीं है? टेबल बनाओ, ठीक है. ये सेकंड टाइप है इसमें क्वेश्चन में, ये आजकल पूछा जा रहा है अभी, क्वेश्चन जो बता रहा हूँ अभी, ये किस तरह टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको. अब बच्चे क्या करते हैं, टू टेबल बना के छोड़ जाते हैं, काटा मार देगा सिस्टम. ये पूछने क्या आपसे, तो
इन्हें पूछ रखा है व्हाट इज द आउटपुट सिग्नल्स भी, सिग्नल की टर्म में इनपुट दे रखी तो सिग्नल टर्म में आउटपुट भी मिलनी चाहिए आपको भी, ठीक है? yes, जल्दी से करो, हो गया? yes, अब आउटपुट सिग्नल बनाना भी आपको यहाँ पे आउटपुट सेक्शंस भी वाई के लिए बनाते हैं सिग्नल्स भी, ये ए जीरो बी जीरो, तो इस सेक्शन में कितना आंसर भी जीरो, ठीक है? yes, इस सेक्शन में सेकंड रीडिंग में वन आंसर है, yes, तो इस यहाँ तक कितना आंसर है वन, तो ऐसे श्रुमन कैसे है? हैं? एक जीरो है ये, ए वन बी जीरो और क्या, नीचे नहीं है, यहाँ तो उठा, ये जीरो भाई, अरे ये वाले वन है इसके, ये जीरो सारे नंबर जीरो है, काउंट ही है यहाँ तक तो जीरो है भाई, उठी दे इस पे आके, ये वाले काउंट नहीं होते भाई, किस चक्कर में पटक उठ रहा है, दो ही हैं जीरो और वन, या तो ये है या ये है, और नहीं है कुछ भी इसमें, कर लोगे? ये वाला कितना आया था, वन आया था उसमें, उसके बाद कितना है वन, इसमें कितना आएगा अगेन वन, यहाँ तक कितना आया वन है भाई, समझ में आ रहा है, यहाँ तक हो गया, उसके बाद जीरो, इसमें जीरो, इस पार्ट में, तो यहाँ पे ले आता हूँ ऐसे जीरो, यहाँ तक समझ में आया, उसके बाद जीरो, यहाँ तक जीरो, यहाँ तक जीरो भाई, उसके बाद वन, यहाँ तक वन, यस और नो, उसके बाद वन, यहाँ तक वन, सही है, उसके बाद लास्ट में जीरो, यहाँ तक जीरो, दिस इज द आउटपुट सिग्नल्स, सेकेंड टाइप क्लास, थर्ड टाइप, एक डायग्राम बना रहा हूँ भी मैं, डायग्राम आपको बना रखा है इन्होंने ऐसा, एक डायग्राम है, ये हमारा एंड गेट है, एंड है क्या कुछ और है, कौन सा गेट है, ये नैंड गेट है, ठीक है? बातें नहीं हुई, जल्दी डायग्राम बना लो, टाइम बर्बाद नहीं करना आपको, जल्दी करो, सारे क्या हैं, नैंड गेट दे रहा है इन्होंने, जल्दी ओके okay. इन्होंने एक सेक्शन बना रखे हैं, सेक्शन कैसे, ऐसे एक सेक्शन ये बना दिया, ठीक है, एक सेक्शन ये बना दिया, और एक सेक्शन ये बना दिया, ठीक है, इट इज वन टू थ्री, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी, बोर्ड का भी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है एक्चुअल में, समझ में आ रहा है, तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, बोर्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, जल्दी है? हो गया? yes, सभी का? yes, अब ये जो दे रखे हैं, देखो ये क्या है, गेट्स क्या बोलते हैं, कम से कम दो इनपुट होनी चाहिए भाई, एक से काम नहीं चलेगा, उन्होंने एक सिग्नल में दो डाल दी, बढ़ा दी दो करने के लिए, एक सिग्नल में क्या कर दी, दो इनपुट बनाई हुई, ये दो इनपुट बनाई हुई भी है, सिग्नल एक यूज किया हुआ है,
ठीक है, इनको ये कुछ अलग नहीं है, ये दो के लिए कम से कम दो तो होनी चाहिए इनके लिए, एंड और गे के लिए। नोट के लिए कौन सी जरूरी चाहिए? यस और नो? अब क्वेश्चन ये है भाई कि कौन सा सेक्शन किस गेट को रिप्रेजेंट करता है? सेक्शन ए किस गेट को रिप्रेजेंट करता है, सेक्शन बी किसको, सॉरी वन सेकंड किसको करता है, गेट्स कौन से फंडामेंटल गेट्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड है, और है, नोट है भाई। एक्चुअली क्या दे रखा है आपको, नेंड दे रखे, और कौन सा गेट किस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूछ बताना है आपको भी। ठीक है, तो हम पहले वाला ले लेते हैं भाई, ये वाला ले। इसमें अगर मैं ए बनाता हूँ भाई, देखिए ये वाला है अभी, ये यहाँ पे जीरो ये है ना, और यहाँ पे जोड़ा हुआ है ए, ए ऐसे दो ये है, यस और नो? तो एंड है भाई ए डॉट ए, यस और नो? और ये क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट्री, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या आउटपुट आएगी इसकी, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट्री, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट्री। हमने कॉम्प्लीमेंट्री की डीमार्कन थ्योरम पढ़ा हुआ है, उससे भी कर सकते हो। कितना आंसर आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट्री प्लस बी कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी बी तो है नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट्री, यस और नो? ए में ए जोड़ोगे आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, नोट गेट को भाई, ए आया अरे ए नोट मिल गया मेरा, ए बार मिल गया भाई, यस और नो? ये सेक्शन किसको करा रिप्रेजेंट, नोट गेट को भी, किसको, नोट गेट को। समझ में आया कि नहीं आया भाई, एनी प्रॉब्लम क्लास, कर पाओगे? अब ये क्या है, दो ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं, दो होता तो हमारे पे होता ही नहीं भाई। अगर ये जीरो है, जीरो है तो ये जीरो है, सीधी सी बात है भाई, ये वन है, ये वन है तो ये भी कितना है, वन ही आएगा भाई इसका आंसर भी, ए प्लस ए आंसर इज ए आएगा भाई, कर पाओगे? पे एक नैंड गेट है, यहाँ पे ए बार है, यहाँ पे ए बार है भाई, सही है? नीचे वाला एक और एंड गेट है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, यस और नो? उसके बाद एक और है भाई, ये वाला सही है? yes, इसको देखना अभी मेरे को, ये ए बार है, ए बार है भाई, एंड किया हुआ है, कैसे करोगे? इसका आंसर कितना आएगा, ए बार डॉट ए बार का होल कॉम्प्लीमेंट्री, चेक करो एक बार, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? ये एंड है भाई, गुणा में होगा ए बार डॉट ए बार और कॉम्प्लीमेंट्री कंप्लीट का भाई, यहां तक कोई डाउट है? इसका भाई बी डॉट बी का बार, तो यानी बी बार ले सकता हूं, सही है? बी डॉट बी, तो बी ए बनना है उसका बार भाई, एनी प्रॉब्लम क्लास? ये कितना हुआ भाई, कॉम्प्लीमेंट्री करो इसको, चेक करो, एक्चुअल में क्या है, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ प्रोडक्ट, सेकंड थ्योरम है भाई, क्या होगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या लिखेंगे, ए बार कंप्लीट प्लस ए बार कंप्लीट, सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, इंडिविजुअल कौन है, ए बार है, उल्टे का उल्टा ए प्लस ए आंसर इज ए, यस और नो? यहां पे कितना आ रहा है, ए भाई, समझ में आई बात है? और यहां पे कितना गया, बी बार, सही है कि नहीं है? अब क्या होगा, कुछ गलत नहीं कर दिया, सही है वैसे तो? अब कितना आएगा भाई, यहां पे ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री का ऐसा कुछ, कितना आंसर होगा भाई, ए कॉम्प्लीमेंट्री प्लस बी, ये लगा है, तो इसमें ए मत डालो, ये उसको ए लिखो, इसको ए बार मत लिखिएगा, अब बताएंगे इसको ए बार के अकॉर्डिंग कितना आंसर है, पता नहीं चला मेरे को क्या हो रहा है, एक्चुअल में ए बार मेरा इनपुट था, यहाँ बी था, एक्चुअल और गेट को दिखा रहा है ये, यहाँ पे और गेट को दिखा रहा भाई, ए इनपुट था ये, ये ए मान लो ए बी किसको दिखाएगा, ए प्लस बी को दिखाएगा इस टाइम में, तो ये किसको दिखा रहा है, ये और गेट को दिखा रहा है, ठीक है, तो उसको आसानी के लिए कर सकते हो, इसको ए मान लो, ये अभी भी ए बार को ए और गेट को दिखा रहा है अभी भी, ये इनपुट एक है, ये थोड़ी इनपुट है भाई, तो ए प्लस बी ए बार को दिखा रहा है,
और गेट को दिखा रहा है, ये नहीं करना। तो सिंपल इसको ए मान लो, ए मानोगे तो कितना आंसर आएगा, ए बार आएगा, यस आर नो, ए बार यहां पे, ए बार यहां पे, ए डॉट बी बार का बार, यानी ए बार प्लस बी बार, यानी ए प्लस बी, यस आर नो। किसको दिखा रहा है, कौन सा गेट है, अभी भी जो नीचे गया वो भी सेम उसी से दिखा रहा है हमने आपको, कर लोगे, कौन सा गेट है ये, ये और गेट को दिखा रहा है, कर पाओगे भाई, पहले वाले का आंसर बिल्कुल सेम था, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन उसमें इनपुट एक एक बार यूज किया था मैंने, उसके अकॉर्डिंग ए बार प्लस बी इट इज रिप्रेजेंट द और गेट वे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थर्ड सेक्शन कौन सा है, ये वाला, इसको यहीं पर लिख दूँ, इसको ए मान लेते हैं भाई, इसको बी मान लेते हैं भाई, ठीक है, ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, जरूरत नहीं हमको पूछ रखा है इनपुट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, अगर पूछ रखा है ये सेक्शन में क्या होगा, मान लो ए है यहाँ पे बी है, यहाँ पे भाई प्लस ए डॉट बी बार, यस आर नो, ए डॉट बी बार, इसका इसका कितना आया, इसका आया यहाँ पे ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार, यानी ए डॉट बी बार इंटू ए डॉट बी बार का कंप्लीट दो है ना, यहाँ पे अरे यहाँ पे, यस आर नो, अब कितना आएगा, ए डॉट बी कंप्लीट प्लस ए डॉट बी कंप्लीट का दो बार, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम भी ये क्या आएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, आंसर इज ए डॉट बी, किसको दिखा रहा है, एंड गेट को दिखा रहा है भाई, यस आर नो, इट रिप्रेजेंट द एंड गेट भी, समझ में आया कि नहीं आया भाई, याद रखिए ए प्लस ए आंसर इज ए भी, कोई दिक्कत नहीं है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी आंसर इज ए डॉट बी, ओके कर पाओगे, ये आपसे पूछने रखा कि यहाँ पे कितना इनपुट है, यहाँ पे कितना आउटपुट है, जरूरत नहीं है, मर्जी से कर लो, ए इसका अलग से कर लो, इसका अलग से कर लो, इसका अलग से कर लो, तो आपकी मर्जी से ए भी डाल लो इनपुट्स को, सही है, कर पाओगे, लिखिए अभी क्वेश्चन नेक्स्ट है अभी, ये अच्छा क्वेश्चन आता अभी, एनसीईआरटी भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया, कई बार पूछा गया अभी इस तरह के क्वेश्चन, एक एक नंबर में भी, लिखिए डिस्कस हाउ और गेट, डिस्कस हाउ और गेट रिलीज फ्रॉम नैंड गेट भी, डिस्कस हाउ और गेट रिलीज फ्रॉम नैंड गेट भी, नैंड गेट से और गेट कैसे बन सकता है भाई, अभी बना था, ठीक है, और गेट में क्या होता है, ए प्लस बी चाहिए मेरे को, ठीक है, और इसमें क्या आएगा, डॉट में आएगा आंसर्स भी, तो इसको भी याद कर सकते हो या सिंपल तरीके से सोच कर लिख सकते हो इसको, देखिए एक इनपुट्स है, एक नैंड गेट है, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने भी, यहाँ पे एक नैंड गेट है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इसका आउटपुट नेक्स्ट नैंड गेट में, ठीक है, देखो कैसे होगा, सिंपल अभी ये आप दो दिन को प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा इस चीज़ से, हमको क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए अभी, किससे चाहिए, ए डॉट बी बार से चाहिए अभी, ए डॉट बी बार से ए प्लस बी कैसे आ सकता है अभी, ए डॉट बी बार से ए प्लस बी लेके आना अभी, अगर इसको दो बार करोगे, सब करोगे तो ए बार प्लस बी बार आएगा ना कि ए प्लस बी, यस आर नो, तो इस ऐसे कर सकते हैं, कर लिया हम लोगों ने, बेटोपी का इसमें आता है, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए ए, यहाँ पे क्या आएगा, ए बार, यहाँ पे बी बार, यहाँ पे ए बार डॉट बी बार का होल कॉम्प्लीमेंट्री, तो कितना आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट्री डबल प्लस बी कॉम्प्लीमेंट्री, किसको दिखा रहा है, ए प्लस बी, इस डायग्राम को याद कर लीजिए भी, डायरेक्ट लिख सकते हो, डिस्कस हाउ और गेट, डिस्कस हाउ और गेट रिलीज फ्रॉम नोर गेट भी, डिस्कस हाउ और गेट रिलीज फ्रॉम नोर गेट,
और गेट नोर गेट से कैसे रिलीज हो सकता है? और गेट वे और नोर गेट से नोर में क्या होगा? नोर में होगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट्री। मेरे को ए प्लस बी तो डबल कर देते हैं इसका वे। यस और नो? सिंपल है बिल्कुल। कैसे करेंगे? एक नोर गेट लगा लेते हैं, ये ए है ये बी है, आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी बार। एक बार कर लेते हैं, फिर नोर लगा लेते हैं, सही लिखा है? क्योंकि नोर तो बोलते नोर से ही करना है, वो कुछ गेट यूज नहीं कर सकते इसमें आप लोग, ठीक है? तो कितना आएगा भाई यहां पे? यहां पे आएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट्री प्लस ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट्री का होल कॉम्प्लीमेंट्री। चेक करो, यही होगा ना? मैं कुछ गलती कर रहा हूं? कितना आंसर होगा भाई? कैसे करोगे? ए प्लस बी का कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री, यही होगा ना? डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट्री इनटू बी कॉम्प्लीमेंट्री भी। तो ये कितना हुआ? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अभी ये गुणा मत करने लगाना इनकी, कि ऐसे एक बी से गुणा करेंगे और उसकी ऐसे गुणा करेंगे, ऐसा में आया भाई? वन इंटू वन आंसर इज वन भी, समझ में आया? आंसर कितना आएगा? ए प्लस बी भी। डिस्कस हाउ एंड गेट, डिस्कस हाउ एंड गेट रिलीज फ्रॉम नोर गेट। और गेट निकालना पड़े तो दो गेट यूज होंगे, और एंड गेट निकालना पड़े तो तीन गेट यूज होंगे, सीधी सी बात है। तीन कैसे लगाने हैं? दो उसमें उसका इनपुट एक दूसरे में, अभी समझ में आया? दो लगाने कैसे हैं? डायरेक्ट लगाने हैं दो। और गेट में दो यूज करो कोई भी बनाने के लिए, और एंड गेट में तीन यूज करो, ठीक है? तो कौन सा है? नोर गेट। नोर गेट यूज, तीन यूज कर लेते हैं एंड गेट निकालने के लिए। एक तो ये है भाई, दूसरे वाला ये बातें नहीं, सही है? इनका आउटपुट नेक्स्ट वाले में। यहां पे इनपुट्स ए ले लेते हैं, यहां पे इनपुट्स बी भी, सही है? ये कितना आएगा भाई? प्लस ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस ए ही रहेगा, ए प्लस ए और ए का बार ए प्लस ए बनेगा, उसका बार ए बार भी, बी प्लस बी बी बनेगा, यस और नो? उसका बार हो जाएगा भाई यहां पे ए बार प्लस बी बार का कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ए डबल बार डॉट बी डबल डॉट, सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्री, कितना? ए डॉट बी कंप्लीट में। समझ में आया कि नहीं आया भाई? सीधा सीधा रट्टा मार लीजिए, और गेट में दो यूज करो एंड गेट में तीन यूज करो। नैंड और नो, नैंड एंड नोर आर द यूनिवर्सल गेट वे। और फंडामेंटल गेट कौन से हैं? एंड और नोर, ये फंडामेंटल, दोनों फर्क है भाई। इसमें हो गया कंप्लीट ये, ठीक है? कुछ गेट बना रहा हूं मैं, बातें नहीं करनी अभी, कुछ भी जोड़ सकते हो आपकी मर्जी है, अभी ये नहीं जोड़ता हूं। ठीक है, कुछ भी मेरी मर्जी भाई। ये बना लेते हैं, चलो ज़्यादा कुछ करते नहीं है।
इनपुट कुछ भी हो सकते हैं भाई, मोर देन टू। डायग्राम बनाऊं और इसका ट्रुथ टेबल जल्दी से बनाकर दिखाओ, ट्रुथ टेबल क्या हुआ? बातें नहीं, देखो ऐसे बनाना भी, 00 01 10 11, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज यही है। अब वाई लिखो जल्दी से कितना आएगा, ये क्या है, वाई निकालना अभी, पहली वन आई, वन देखो एक बार, देखिए देखो, ये पहले 0 0 है भाई, ये 0 यहाँ पे गया डायरेक्ट 0 भाई, ये आंसर 0 सही है। अब यहाँ पे ए नीचे, ए यहाँ पे गई है देखो, 0 गई है, 0 का उल्टा 1, यहाँ पे 1 मिला मेरे को, यहाँ पे 0 गई है, ये 0 एंड गेट है, ये ए 0 भाई, बी 0 गई है तो यहाँ पे 1 भाई, ये एंड गेट 0 का उल्टा 1, इट इज एंड गेट भाई। अब 0 0 1 और गेट में मैक्सिमम कब होता है, जब कोई एक इनपुट मैक्सिमम हो जाए, तो आंसर इज मैक्सिमम। समझ में आया कि नहीं आया? ओके उसके बाद क्या था, 0 1 ये 1 कर लेते हैं भाई, ये 0 ये 1 भाई, आंसर इज 1, ए 0 भाई तो यहाँ पे 1, बी 0 यहाँ पे सॉरी 1, ये कितना 1 भाई, कर लोगे, ए 0 बी 1 तो यहाँ पे 0 0 0 इंटू 0 0 का उल्टा 1, आंसर इज 1। प्रॉब्लम है, ए पे 1 आ गया, हाँ हाँ जोर तो नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो बता रहा हूँ सभी के लिए, यहाँ पे अगर 1 आएगा डेट आंसर 1 आना है, पक्की बात है, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद क्या करोगे, 1 1 कर लो, बाकी कर लोगे 1 1 कर लेते हैं, ये उल्टा आएगा इसमें कुछ 1 0 में कुछ हो रहेगा क्या, कितना आएगा, 1 आएगा, 1 1 में ये 1 आएगा, पक्की बात 1 आ लिया भाई यहाँ पे, तो आंसर इज 1, शॉर्टकट डायरेक्ट निकाल सकते हो आप लोग, बाकी छोड़ दो, ये तो आपको, ये तो कहाँ रहेगा आपका, पेपर पर रहेगा ना, आंसर तो ये मेरा, अगर मेरा क्या यहाँ 1 आ रहा, डायरेक्ट 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 आएगा अभी, और गेट में 1 होता है।